अब आपको अहम खबर दें। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 10 नवंबर तक राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया है। ताज़ा तरीन खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है 10 नवंबर तक का। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 10 नवंबर तक का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया है। याद रहे कि ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का राहदारी रिमांड आज एक बार फिर से खत्म हो गया था और नैब टीम ने मजीद तौसी के लिए आज उन्हें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पहुँचाया था। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की थी। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन बताएगा 10 नवंबर तक के लिए राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पेश किया गया है और नैब टीम जो है वो एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ को लेकर पहुंची और उन्होंने मजीद राहदारी रिमांड जो है वो मांगा, जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने 4 रोज़ा मजीद रिमांड जो है वो दे दिया है और हफ्ते के रोज़ जो है वो शहबाज शरीफ को हुक्म दिया है कि एहतसाब अदालत लाहौर में जो है वो पेश हो जाएं। अब हफ्ते तक उनका राहदारी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है। 10 नवंबर तक एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का राहदारी रिमांड जो है वो मंजूर कर दिया है और 10 नवंबर तक जो है वो रिमांड में तौसी कर। सही, ठीक। हुसैन अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।